हाय दोस्तों, नमस्कार। जो मैंने स्क्रीन पर फेस लगाया है वो है महिंद्रा, आनंद महिंद्रा जी का। और इस फेस से शायद मुझे बताने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आप सभी जानते हैं इतने काइंड हार्टेड पर्सन हैं और इतने ज़्यादा मतलब मार्केट में बिजनेस करने वाला जो एक ग्रोथ बंदा होता है ना, कि उसे ग्रोथ करनी है और ग्रोथ करनी है और ग्रोथ करनी है, प्लस देश का नाम भी ऊंचा करना है, तो वो एक ही नाम है, आनंद महिंद्रा। तो इसके साथ ही मैं बात करूंगा इनकी कंपनी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं इनकी, जो इनके लिए काम करती हैं प्लस पूरी मार्केट के लिए भी काम करती हैं। तो इसमें से एक कंपनी का नाम जो मैं आज बात करूंगा, तो जो इनकी गाड़ियां बनती है, गाड़ियों के लिए जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जितनी भी महिंद्रा की गाड़ियां हैं या कोई भी गाड़ियां हो महिंद्रा की, प्लस उसके लिए जो काम कौन करता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कारें बेचती है, प्लस उसकी जो सिस्टर कंपनियां हैं वो भी बहुत सारी कंपनियां में से एक है जो मार्केट के अंदर बहुत अच्छी दमखम रखती है। तो वही मैं आज डिस्कस करूंगा, यानी कि इन कंपनियों को असेंबल करना, इनके लिए डाई कास्ट करना, कास्टिंग करना और पूरे के पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करके फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा को अपनी गाड़ियाँ देकर फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है वो गाड़ियाँ मार्केट के अंदर बेचती है। तो इस तरह से जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है जियो नेटवर्क। नहीं, जियो को प्रोवाइड करने वाला नेटवर्क कौन सा है? तो जैसे कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी बताया था कि जो भी 5G नेटवर्क मार्केट के अंदर आएगा, चाहे वो रिलायंस लेके आए, जियो लेके आए या एयरटेल लेके आए, लेकिन जो उसके पीछे जो काम कर रहा है ना, वो HFCL ही काम करेगा। तो आपको HFCL ही बाय करना है। क्यों? क्योंकि HFCL को तो चारों तरफ से धंधा आने वाला है ना। तो सेम ऐसे ही आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक सिस्टर कंपनी महिंद्रा CIE। तो मैं कंपनी की वेबसाइट पर लेके आया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की ही पेरेंट कंपनी है या सिस्टर कंपनी कह सकते हैं, और उसी के पैरेलल में काम करती है। प्लस वो खुद अपने महिंद्रा के लिए भी काम करती है, प्लस मार्केट के लिए भी जो भी B2B बिजनेस आता है उसके लिए भी काम करती है। इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी वर्सिटाइल है, यानी कि पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। उसका रीज़न है कि काम करने का तरीका मार्केट का, इनको बहुत अनुभव है मार्केट का। और आपने देखा होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के टावर भी लगे हैं, आपने देखे होंगे, क्योंकि मैं दिल्ली की तरफ रहता हूँ और दिल्ली में काफ़ी सारे जो टावर्स हैं वो लगे हुए हैं, जैसे कि रिलायंस के टावर होते हैं या कोई और कंपनी के टावर होते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो बेस प्रोडक्ट काम करता है ना, जो बेसिक या बेस जो पीछे से प्रोवाइड कराता है ना, उसकी जो आमदनी होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जो एंड कंज्यूमर को जो खाना देता है ना, जो चीज़ें देता है, उसकी तो आमदनी बाद में होगी, लेकिन इनकी आमदनी पहले होगी। तो वही सारी चीज़ें, और प्लस इसका जो पोर्टफोलियो है जैसा कि आप देख सकते हैं, और प्लस ये स्क्रीन पर भी आप रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि फोर्जिंग है, स्टैम्पिंग है, गियर्स हैं, कोई भी गाड़ी बनानी है, प्लस उसका जो कास्टिंग करनी है गाड़ी की, प्लस मैग्नेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं एंड देन कंपोजिट बनाते हैं एंड एल्यूमिनियम कास्टिंग हो गई। तो इस तरह से जो कंपनी का जो प्रोफाइल है ना वो बहुत बड़ा है, प्लस कंपनी की जो वैल्यूएशन है मार्केट में वो भी बहुत अच्छी है। तीसरी चीज़ है काम करने का तरीका, अनुभव, तो ये भी बहुत अच्छा है। प्लस कस्टमर बेस कैसा है, तो ये भी बहुत बढ़िया है जी। और प्लस इसने रिटर्न कितना दिया है, लास्ट में तो यही आता है ना जी, कंपनी ने रिटर्न कितना दिया, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मैं भी आपको चार्ट दिखाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसकी प्रेजेंस कितनी है। आप देख लीजिए, ये पिक्चर के अंदर आप देखेंगे तो इसकी जो महिंद्रा CIE की जो प्रेजेंस है ना वो बहुत अच्छी है। आप लैटिन अमेरिका में देख सकते हैं, ब्राज़ील की तरफ देख सकते हैं, पूरे इस इधर आप गल्फ में, यूरोप में एंड देन रशिया में, इंडिया में तो है ही है। तो इस तरह से इसकी प्रेजेंस जो है वो बहुत अच्छी है। चाइना के अंदर प्रेजेंस आ रही है इसकी, जापान के अंदर आ रही है, रशिया के अंदर आ रही है, तो प्रेजेंस बहुत अच्छी है। यानी कि ग्लोबली बहुत अच्छा का नेटवर्क है इसका, काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, और इंटरनेशनल कंपनी भी होगी तो इसका प्रॉफिट भी इंटरनेशनल होगा जैसा कि आप जानते हैं। तो वी आर अ सब्सिडरी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑटोमोबाइल ग्रुप ऑफ द स्पेन, ये एक स्पेन की कोई सब्सिडरी है, उसको हायर किया है, तो एक तरह से एक जॉइंट वेंचर है। और उसके बाद ये कंपनी बनी, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा जी का विज़न बहुत अच्छा होता है। जो आनंद महिंद्रा जी है, काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है, आपने देखा होगा, हमेशा ये ट्विटर पे भी एक्टिव रहते हैं।
तो मैं आज इनकी कंपनी के बारे में जो बताया मैंने वो आप देखिए, प्लस इसके जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो भी आप देख सकते हैं, ग्लोबल प्रेजेंस है वो भी आप देख सकती हैं, और थोड़ी देर में मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगा कि रिटर्न क्या आया है। तो ये आपके वॉच लिस्ट में कंसिडर करने वाला शेयर है, और ऐसा शेयर है ये कि आपको करोड़पति बनाएगा एक टाइम पे। हाँ जी, उसका रीज़न ये है कि चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ी आई या यही वाली गाड़ी चलती रहे, इनका धंधा कभी मंद नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें दोनों ही गाड़ियों में लगने वाली हैं। डीजल पेट्रोल बंद हो जाएगा, ल्यूब्रिकेंट्स बंद हो जाएंगे, लेकिन इनका धंधा कभी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास काम करने का तरीका और भी आगे की सोचने का तरीका, तो फ्यूचर की जो सोचता है ना उसके पास काम बहुत अच्छा होता है। तो डेफिनेटली आज मैं इसके चार्ट के बारे में बात करता हूँ। चलिए मैं लगाता हूँ, ये मैंने इसका चार्ट लगाया, और आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर 163% का इसने रिटर्न दिया है। और अगर चार्ट की स्टार्टिंग आप देखें तो 105 रुपये से था, अगर एक साल पहले की बात करूँ तो जुलाई की बात है, 105 रुपये का, और वहाँ से इसने कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। हालांकि बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा डाउनफॉल आया था, देन फिर इसने अपने आप को पिकअप किया है और काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं, जैसा कि चार्ट देखता हुआ जा रहा है। और 163% का रिटर्न, प्लस इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी, प्रेजेंस भी बहुत बढ़िया, काम भी बहुत बढ़िया, और आगे आने वाले फ्यूचर में भी जो प्रोस्पेक्ट्स है वो भी बहुत बढ़िया। और बीते महीने में इसने 18-19% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 60% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। और आई थिंक आपको इसको अपने उसमें कंसिडर करना चाहिए, आगे आने वाले टाइम में ये आपको मालामाल करेगी, क्योंकि आनंद महिंद्रा जी का जो विज़न है वो इतना बड़ा है, और अभी इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है तो इसका जो कंपटीशन है वो मदरसन सुमी है, और मदरसन सुमी इंडियन है, ये भी इंडियन है, तो डेफिनेटली, क्योंकि अभी जो क्या है कि पूरी पैदावार को ये कंपनी नहीं कर सकती इंडियन मार्केट के लिए। पहले से तो होता था कि चाइना से माल आ जाता था, अब तो चाइना से भी ये नहीं आने वाला, तो डेफिनेटली इन सब कंपनियों को ही फ़ायदा होने वाला है जो इंडियन है, प्लस इसके जो प्रेजेंस है वो ग्लोबली भी है, और इस प्लस इसका जो पार्टनरशिप है वो इंटरनेशनली काफ़ी सारी कंपनियों के साथ है, जैसा कि मैंने बताया स्पेन के साथ। और भी आनंद महिंद्रा जी का विजन रहेगा तो वो फ्यूचर में भी काफ़ी सारी कंपनियों के साथ अपनी पार्टनरशिप करेंगे। तो इसके साथ साथ एक विजनरी पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है, और वो है आनंद महिंद्रा जी। तो आपको ये स्टॉक एक बार अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कीजिए, और डेफिनेटली आपको ये अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार आप खुद भी रिसर्च कीजिए इस स्टॉक के बारे में। सो ये थी मेरी वीडियो महिंद्रा सीआई के बारे में, आनंद महिंद्रा जी के एक ऐसी कंपनी के बारे में जो उनके साथ साथ चली और उन्होंने इसको इंटरनेशनली प्रेजेंस दिया। और जैसे कि थार आप जानते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियाँ इंटरनेशनली काफ़ी पॉपुलर हैं, तो उसी हिसाब से जब गाड़ियाँ बिकेंगी तो इस कंपनी के कंपोनेंट वगैरह पूरे इंटरनेशनली रिक्वायरमेंट रहेगी, तो जहाँ जहाँ गाड़ियाँ बिकेंगी वहाँ वहाँ ये कंपनी अपना सेटअप बनाएगी, तो उसी हिसाब से हमेशा इस कंपनी का विजन विस्तार बढ़ता ही रहेगा, और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे प्रॉफिट 2 गुना, 4 गुना और 6 गुना होगा, और पूरे देश की तरक्की।